एवरीवन, वेलकम बैक टू BFF। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है कटहल की सब्जी। इसके लिए मैंने आधा किलो कटहल ले लिया है और उसको ऐसे चॉप कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और ये मैंने बड़े वाले कटहल लिए हैं, जो बेबी कटहल आता है उसको नहीं लेना है, यही वाले लेने हैं। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसके अंदर हम बैचेस में करके अपना जो कटहल है उसको फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कटहल करके फ्राई करेंगे। इस स्टेज में कटहल बिल्कुल पक चुका है, ये लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसको रिमूव कर देंगे। अगर आपको हेल्दी बनाना है तो इसको आप फ्राई करने की जगह एक बार कुकर में डाल के इसको सिर्फ एक सीटी आने तक पका दोगे और फिर आगे का प्रोसेस सेम करोगे तो भी बन जाएगा, ये आपको फिर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे क्रिस्पी अच्छा लगता है ये, तो इसके लिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। वन बैच डन, सेकेंड बैच डाला है। कटहल सारा फ्राई हो चुका है, अब मैंने ले लिया यहाँ पे कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें इसे सिर्फ इतना रोस्ट करना है कि इसका जो कच्चापन है ना वो चला जाए। बेसन बिल्कुल भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है। इसको फटाफट निकाल लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। के बाद हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे और अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ सौंफ डालेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 2 तेज पत्ता और 1 लाल मिर्च डाल दिया। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अदरक का कच्चापन चला गया है, वो पक गई है, अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी लिया है, यहाँ मैंने बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च लिया है, आपको जितना तीखा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। और थोड़ी फ्रेशनेस के लिए मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है चॉप की हुई, हम इन सबको रोस्ट करेंगे। हमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसमें। मसालों को बस 1 मिनट भूना है, अब इसके बाद हमने जो कटहल फ्राई किए थे वो इसमें डाल देंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें जो हमने बेसन को भुना था वो डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। इसमें अब जाएगा नमक। इट्स ऑलमोस्ट रेडी, इन सबको करेंगे मिक्स। बेसन जो है वो एज अ बाइंडिंग एजेंट यहाँ काम करेगा और उसके बाद हमने नमक डाला है, तो क्या है कि बेसन
और सब्जी में थोड़ा सा नमक की वजह से पानी छोड़ देगी सब्जी और ये सब आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया है। एट लास्ट हम इसको कवर करेंगे और सिर्फ एक मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे और 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही कवर रहने देंगे। 1 मिनट बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और इसको कवर ही रखा था। देख रहे होंगे जैसे कि पानी इस पे आ चुका है। अब ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। हल्का हल्का सा मॉइस्चर है इसके अंदर, क्रंचीनेस भी है। एंड इट्स डन।